कौमी एहतसाब ब्यूरो नकायस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब इदारे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है, इदारा 30 रोज में रेफरेंस पर फैसले को यकीनी बनाए। नैब चेयरमैन जावेद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट को एहतसाब अदालतों में करप्शन रेफरेंसेस के फैसलों में ताखीर से मुतालिक वजूह पेश किए और कहा कि करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं, मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद समेत 3 रुकनी बेंच ने लाखड़ा पावर प्लांट तामीर में बेजाब्तगियों से मुतालिक केस में एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। नैब के पास न सलाहियत है न ही इंक्वायरी और तहकीकात का तजर्बा, नैब में इंक्वायरी का जायजा लेने का कोई पैमाना नहीं, नकायस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना था कि चेयरमैन नैब को मुरतब रेफरेंस का खुद जायजा लेने की जरूरत है, नैब 30 रोज में रेफरेंस पर फैसले को यकीनी बनाए, फैसलों में ताखिर की वजह नैब ऑफिशियल और प्रोसिक्यूशन टीम है। चेयरमैन अगर समझें कि इनकी टीम के तजर्बे का इशू है तो टीम को तब्दील कर दें, नैब अपने रूल्स मुरतब करके आइंदा समात पर पेश करे और चेयरमैन नैब आइंदा समात पर तहरीरी जवाब दें। जजेस का कहना था कि सेक्रेटरी कानून ने काबीना से नई 120 अदालतों की मंजूरी लेकर जजेस की तैनाती का बयान दिया है, अब इन नई एहतसाब अदालतों जजेस नैब रेफरेंस पर जल्द फैसला करने की पोजीशन में होंगे।